Hi dear kids, Assalamualaikum alaikum to all of you. I hope you all are good at your homes. Dear kids, in these tough times, be focused on your studies and stay home, stay safe. Dear students, as you know, kalka topic in previous book that was about parts of a plant. Parts of a plant. So इसके बारे में हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें आपने अच्छे से देखा कि ये जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं इनका काम क्या होता है लाइक like, रूट्स का काम क्या होता है या स्टम का काम क्या है और लीव्स का काम क्या है फ्लावर्स का काम क्या है आपने ये सब कल देखा तो हमने कुछ थोड़ा सा इसमें से पढ़ा था जो रह गया है इनशाला आज हम वो इनशाला कम्प्लीट करेंगे तो आप निकालिए अपनी ई की बुक इट्स पेज नंबर सिक्सटी पेज नंबर सिक्सटी वेरी गुड तो चलिए बेटा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था ठीक है शाबाश हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट इनके एक प्लांट के हिस्से एक प्लांट के बहुत से हिस्से होते हैं प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स द स्टम गिव सपोर्ट टू द प्लांट स्टम का काम जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है स्टैंड रहने में ठीक है स्टैंड रहने में इसका इसके और भी फंक्शनज हैं लेकिन आप फिलहाल यही याद रखिए कि इसका फंक्शन ये है इसका काम ये है कि ये प्लांट को सपोर्ट करता है स्टैंड रहने में ठीक है और उसके अलावा ये जो हम जड़ों पे हम जो पानी डालते हैं प्लांट के लिए सनलाइट अगर लीव्स पे आ जाती है वो जड़ों तक पहुंच जाती है लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो पानी जड़ों से लेके यानी कि रूट से लेके लीव्स तक पहुंच जाता है वो काम करता है स्टम ठीक है शाबाश और उसके बाद हमने पढ़ा था द रूट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड रूट जो होता है वो प्लांट को फिक्स करता है द ग्राउंड ग्राउंड के साथ ठीक है शाबाश इसके बाद हमने पढ़ा था द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट लीफ जो होता है ये फूड तैयार करता है प्लांट के लिए ठीक है शाबाश इनके कि सनलाइट वेरी गुड तो चलिए बेटा अब हम आज का पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ूंगी अब वैसे ही पढ़ना ठीक है शाबाश द फ्लावर Is generally the most beautiful part of the plant.